हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 101 वां पार्ट है, 101। तो इसमें आप सबका स्वागत है। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है आप लोगों का। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। तो वातावरण का न्यूनतम तापमान किस समय रिकॉर्ड किया जाता है, ये प्रश्न आया था। वातावरण का न्यूनतम तापमान किस समय रिकॉर्ड किया जाता है। 5 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, आप उत्तर करते रहें, बार बार आप उत्तर करते रहें। प्रातःकाल 4 बजे, सुबह 4 बजे सबसे कम तापमान होता है, उसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक सौरजिक ऊर्जा प्राप्त करती है कितने बजे, सबसे ज़्यादा धूप कितने बजे लगती है, यानी गर्मी, यानी सूरज की किरण, दोपहर 2 से 4 बजे तक। और एक क्वेश्चन है, जंतु व्यवहार का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको क्या कहते हैं। 5 सेकंड, इथोलॉजी। और बुफोर्ट स्केल BEAUFORT बुफोर्ट स्केल द्वारा क्या नापते हैं, बुफोर्ट स्केल द्वारा क्या नापते हैं, आया हुआ प्रश्न है। बरसाती हवाओं की गति। और एक सवाल है, बैरोमीटर में पारे का स्तर एकाएक गिरना क्या दर्शाता है। 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहें। तूफानी मौसम इससे जुड़ा हुआ, बैरोमीटर का धीरे धीरे पारा गिरना जो है वो क्या दर्शाता है। वर्षा होने का, बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या दर्शाता है। दिन साफ रहना, दिन साफ रहेगा, ये सवाल इस पर ध्यान दीजिएगा, आने वाले प्रश्न है। एक प्रश्न आया था, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया। 22 मार्च 1957। प्रथम माह कौन है शक संवत का, चैत की प्रथम तिथि, ठीक है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रथम दिन शक संवत का कौन है, 22 मार्च। लीप ईयर में प्रथम दिन कौन सा होगा, 21 मार्च लीप ईयर में। चलिए एक सवाल है जो आया था, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप उत्तर करते रहें, बार बार हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहें। गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, अमेरिका का। और बताएं, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्र तट। जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कॉर्न फ्लावर। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लीली। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ शीर्ष भाग। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लीली। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह बताएं आप, 5 सेकंड में बताते रहें कमेंट बॉक्स में, शेर। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लीली। ऑस्ट्रेलिया का वेटल। न्यूजीलैंड का कीवी। सदर्न क्रॉस और फर्न, ये सब है न्यूजीलैंड का। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह बताएं, शेर। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें आप, लीली। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह
गुलाब का फूल स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह। ईगल जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह। मैपल लीफ रूस का राष्ट्रीय चिन्ह बताएं। डबल हेडेड ईगल, और आप वीडियो को पूरा देखा करें, सारे प्रश्नों को देखा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको लिखें। हाँ, इसमें हम आपको ये बताएं कि आप लोग अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर देखें। प्रोग्रेस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि पहली बार में आपको कितना आता था, नेक्स्ट टाइम में आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं, और आने वाले वक्तों में सारे आंसर आप जान रहे हैं कि नहीं। तो इसको बार बार आपको सुनना पड़ेगा, चार बार पांच बार आप इसको सुनें और प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ज़रूर ध्यान रखें। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, आया हुआ प्रश्न है। 5 सेकेंड, बेतवा, बेतवा पे है। और मानव शरीर में मौजूद रक्त का कुल आयतन, यानी कितना रक्त होना चाहिए एक मानव शरीर में, 6 से 7 लीटर। यकृत का वजन कितना होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत, 1.5 से 2 केजी तक होता है। हार्ट का, हृदय का वजन कितना होता है, 300 ग्राम। वृक्क किडनी का वजन कितना होता है, 140 ग्राम। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन कितना होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कितना कम वजन होता है ध्यान रखिएगा, 0.6 ग्राम। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये कैसे याद होगा, लिखिए, देखिए, याद कीजिए और बार बार सुनिए तो ये याद हो जाएगा। केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आया हुआ प्रश्न है, शिमला। और आपको ये बता दें कि साथ साथ में जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट का भी चल रहा है, पॉलिटी का भी चल रहा है, हिस्ट्री का भी चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। जब आप इसको करेंगे, टेस्ट को करेंगे, तो उससे भी आपको अंदाज़ा मिलेगा, उसको भी आप करें। क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल पे जा कर के वहाँ विस्तृत रूप से हर एग्ज़ाम के लिए IAS PCS CDS NDA आर्मी पुलिस ग्रुप सी LT TET सब के लिए बेहतरीन सेट अवेलेबल है, उसको आप करें, बहुत मज़ा आएगा। तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है, शिमला। तो अन्य वनस्पति संबंधित शोध संस्थान को देख लेते हैं, और क्या क्या शोध संस्थान कहाँ है, तो मैं बोलूँगा, आप उसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कोयम्बटूर। 5 सेकंड का टाइम देंगे, उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, मैसूर। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। पैलियोबॉटनी वही है ना। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, जूट कहाँ होता है ध्यान दीजिए, कलकत्ता, कोलकाता। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, थोड़ा अकल लगाइएगा तो हो जाएगा, कारार गोड। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है, कानपुर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 1981 में किस देश में एड्स बीमारी की पहचान की गई, पहचान किस देश में की गई, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से USA। ये नहीं कह रहे हैं पहला मरीज कहाँ मिला, ये कह रहे हैं किस देश में पहचान की गई,
यूएसए। तो एड्स के बारे में कुछ संबंध लिख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म AIDS, आप लिखें कमेंट बॉक्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। HIV का फुल फॉर्म बताएं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। एड्स रोग के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? प्रोफेसर लुक मॉन्टागियर एवं डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो को। एड्स वायरस का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, कहाँ लगाया था, किसने कहाँ? किशानसा में लगाया था, किशानसा अफ्रीका में 1959 में पहली बार। भारत में राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। मानव में एड्स वायरस का प्रवेश हुआ कहाँ? जायरे के हरे अफ्रीकी बंदरों द्वारा प्रवेश किया गया था। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स वायरस के प्रति सर्वाधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि कौन सी है? जीडोरुडीन या जीडोथाइमिडीन भी कहते हैं इसको। एड्स से प्रभावित मानव अंग WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को सबसे ज्यादा घातक है। एड्स की जांच हेतु क्या जाने वाला टेस्ट क्या है? एलिसा, वो रोग जिसकी जांच के लिए रैपिड जांच किया जाता है, कौन सा रोग है? एड्स। भारत में एड्स रोग के बहुतायत मामले हैं, कौन से? एड्स HIV-1C वायरस से संक्रमित होने वाले, HIV-1C। विश्व में एड्स रोग से बहुतायत मामले कौन से हैं? HIV-1A वायरस से संक्रमित होने वाले, HIV-1ABC है। तो HIV-1A पूरे विश्व में ज़्यादा है, भारत में HIV-1C है। तो इस पर आप ख्याल रखें। और चलिए आप ये बताइए, भारत में पहला रोगी एड्स का किस राज्य में मिला था, ये आप आंसर करेंगे। और 3 प्रश्न ले लेते हैं, चलिए 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, अरावली किस राज्य में है? दूसरा प्रश्न, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है? और तीसरा प्रश्न, सतपुड़ा पर्वतमाला किस राज्य में अवस्थित है? थैंक यू।